अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शगुफ्ताज कुकिंग सेंट्रल। आज हम बना रहे हैं चपली कबाब, जिसको आप कीमे की रोटी वगैरह मटन कटलेट भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमने लिया है 300 ग्राम मटन का कीमा लिया है, और हमने लिया है ये ब्रेड स्लाइस जिसको हमने सोक कर लिया है। हमने 7 से 8 ब्रेड स्लाइस लिए नॉर्मल साइज के। अगर आपके पास स्लेस पाव वगैरह हो तो आप उसे भी, आप 300 ग्राम कीमे के लिए 3 से 4 आपने स्लेस पाव लेने हैं, उसको आपने सोक कर लेना है। और अभी हमने इसके लिए मसाले लिए हैं। ये मैंने लिया है अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है, ये हमने 1.5 चम्मच लिया है। ये गरम मसाला पाउडर है, और ये हमने जीरा पाउडर लिया है 1/2 चम्मच। 1 चम्मच हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है। ये कूटा हुआ धनिया है, और ये लाल मिर्च का पाउडर है। लाल मिर्च का पाउडर हमने 1 चम्मच लिया है, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। ये सारे मसाले भी हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये मुंबई स्ट्रीट की बहुत ही फेमस डिश है, नाकुदा मोहल्ले में हमने बहुत बार खाई है। आप ज़रूर, अगर आप नाकुदा मोहल्ले में जाए तो आप ज़रूर इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी ये जो हमारा ब्रेड है, अभी हमने इसको जो सोक के लिए, हमने इसको एकदम स्क्वीज करना है। एकदम इसका पूरा पानी हमने निकाल लेना है अच्छे से स्क्वीज करके। बिल्कुल एकदम हमारा ड्राई होना चाहिए कीमा, इसलिए आप एकदम दबा कर पूरा स्क्वीज करके पानी निकाल ले। ये हमने ब्रेड को पूरी अच्छी तरह से स्क्वीज कर लिया है। आप ध्यान रखें, अगर आप कीमा भी अगर धोते हो तो आपने वॉश करके इसको स्ट्रेन बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। एकदम आपका कीमा एकदम ड्राई होना चाहिए, तभी आपके कबाब टूटेंगे नहीं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और आपने जो ब्रेड पाव वगैरह स्लाइस वगैरह जो भी लिया है आपने, तो उसको भी हमने एकदम अच्छी तरह से स्क्वीज करना है, ताकि हमारे कबाब बिल्कुल ड्राई, अंदर से ड्राई हो जाए और कबाब तेल में जाके टूटे नहीं। अभी हम इसको मिक्स करेंगे अपने फूड प्रोसेसर में। ये देखिए, हमने फूड प्रोसेसर में इसको अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। बहुत ही बढ़िया हो गया है, सब मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अभी हमने क्या करना है, इसको ले लेना है हाथ में, इस तरह से इसके बना देना है, इसे बॉल बनाना है हमने इसको। और इसको हमने कर देना है थोड़ा सा प्रेस। प्रेस करके हमने क्या करना है, इधर ब्रेड क्रम हमने फ्लैट वाली प्लेट में लिया है, ताकि इसको हमें आसानी से प्रेस करने में आसानी हो। इस तरह से हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम डाल के इसको हमने प्रेस करते जाना है। प्रेस करते हुए हमने इसको कर देना है बड़ा। इसी तरह से हमने क्या करना है, सारे कटलेट हमने एक, ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह से हमने, देखिए आप देख सकते हैं इसकी, हमने कितना ये रखा है, ठीक रखा है। आप चाहे तो अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आप अगर मोटे चाहते हो तो मोटे रख सकते हैं, पतले चाहते हो तो पतले रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि आपका कीमा एकदम ड्राई हो और एकदम बारीक महीन पिसा हुआ हो। तो आप इस तरह से कटलेट बनाकर पहले साइड में प्लेट पर रख दें। ये देख सकते हो आप, बहुत ही माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं कटलेट हमारे। इसी तरह से अभी हमने पहले कटलेट बनाकर प्लेट में रख देने हैं, लास्ट में हम फ्राई करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये हमारे देखिए, ये हमने टिक्की तैयार कर ली है। इसी तरह से बहुत ही मस्त, माशाल्लाह बहुत अच्छी टिक्की बनी है। अभी हम आते हैं, जब तक हमने ऑयल गर्म कर लिया है, गर्म को रख दिया है, तब तक हम आते हैं अपनी चटनी की तरफ। चटनी के लिए हमने लिया है थोड़ा सी पुदीना, मिंट लिया है, और हमने 5 से 6 हरी मिर्च लिए है, 3 से 4 हमने लहसुन की कलियां ली है, 1/2 नींबू लिया है, और हमने ढेर सारी कोथमीर ली है। कम से कम ये 1.5 से 2 कप कोथमीर है। इसको हमने फाइन पीस लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक। हमने यहाँ 2 अंडे फेट लिए हैं, हमने फ्लैट वाली प्लेट में लिया है अंडा। अभी हम, ताकि इसमें हमारी टिक्की, हमारी कटलेट, जो हमारी कीमे की रोटी है, ये बहुत ही अच्छे से हमारे इसमें अंडा चिपक जाए।
ये देखिए अभी हम इसको डाल देंगे, हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाह, इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमारा कीमा हमने पूरा बिल्कुल कीमा हमने कच्चा यूज किया है, इसके लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अब इस जब तक इसकी साइड हमारी एक साइड पूरी फ्राई नहीं हो जाती, हमने इसको इसकी इसकी साइड को हमने चेंज नहीं करना है। अब हम कर देंगे इसकी साइड चेंज, क्योंकि हमारी एक साइड पूरी फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया कलर आया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन हमारे हो चुके हैं। इसको हमने निकाल देना है ऑयल से बाहर। हमने अंडे में थोड़ा सा पानी मिक्स किया है ताकि इसकी अच्छी तरह से जाली बन जाए। अगर हमने इसी तरह से सब कटलेट कर लेने हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। और इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही खाने में बहुत ही लजीज है। इसको हरी चटनी के साथ खाइए, या आप कच्चे पपई की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये हमारे कटलेट, हमारी कीमे की रोटी तैयार हो गई है, चपली कबाब आप बोल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया फ्राई हो चुके हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।